को डालते हैं वीडियो में, आप लोग को देखने को मिल जाएगा, तो वीडियो को देखिए और मोबाइल की स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। सो गाइज, ये रहा हमारा गूगल पिन, तो चलिए इसको जल्दी जल्दी खोलते हैं, उसके बाद आप लोग को पिन दिखाते हैं हमारा क्या आया है। आज आप लोग को ऐसा तरीका बताऊंगा कि गाइज आप लोग का गूगल एडसेंस पिन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपके हाथ में होगा और बिल्कुल सेफ होगा। क्योंकि गाइज बहुत बार होता क्या कि हम लोग अटेम्प्ट तो सही करते हैं, हमारे पोस्ट ऑफिस तक आ भी जाता है गूगल एडसेंस पिन, लेकिन गाइज जो हमारा पोस्ट ऑफिस का वर्कर रहता है वो हम तक देता नहीं है। जो कि गाइज मेरे साथ हुआ था आज से 2 साल पहले। गाइज जब मैं यूट्यूब पर आया था, मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था, एंड मैंने जब गूगल एडसेंस पिन को अप्लाई किया, गाइज मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में गूगल एडसेंस पिन को घुमा दिया गया, भाई मुझ तक पहुंचाया ही नहीं, इतना घटिया पोस्ट ऑफिस था मेरे लोकल में। लेकिन गाइस अभी सुधर चुका है। खैर हम लोग बात करते हैं कि अगर आपके साथ भी ऐसा होता तो आप लोग कैसे इससे बच सकते हो, क्योंकि गाइस गूगल एडसेंस पिन एक ऐसा चीज होता है जो कि हम लोग का मेहनत के बदले में जो हम लोग को पैसा मिलने वाला होता वो एक फल होता है भाई, गूगल एडसेंस पिन। अगर वही बंदों के पास ना आए तो फिर बंदे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और अगर गाइज आप लोग भी आज के इस वीडियो को देखने के लिए आए हो तो कहीं ना कहीं आप लोग भी गूगल एडसेंस पिन से ही परेशान हो जो कि आपके पास आ नहीं रहा। गाइज वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर गूगल एडसेंस पिन होता क्या, कम शब्दों में समझा देंगे, क्योंकि गाइज नए नए क्रिएटर भी डेली आ रहे हैं तो उनको शायद से मालूम नहीं होगा, तो बता देता हूँ। गाइज जब भी हम लोग यूट्यूब पर कदम रखते हैं तो हमारे लिए मोनेटाइज करना एक क्राइटेरिया होता है। मोनेटाइज को पूरा करने के लिए गाइज हमारे पास दिया जाता है 4000 घंटे का वॉच टाइम, जो कि पब्लिक वॉच टाइम चाहिए, और 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए। उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं तो गाइज हमारे YT स्टूडियो में डॉलर बनना स्टार्ट हो जाता है। जब गाइज हमारे YT स्टूडियो में डॉलर बनते हैं तब गाइज $10 पर हम लोग को एक ऐसा ऑप्शन दिया जाता है जिससे कि गाइज हम लोग अपने बैंक में पैसा ले सकते हैं। उसी में गाइज गूगल एडसेंस पिन वेरीफाई करना पड़ता है, जो कि हमारा जो पैसा आता है बाहर विदेश से आ रहा, हमारा इंडिया का तो है नहीं, तो गाइज वही पैसा आने के लिए गूगल एडसेंस पिन में हम लोग वेरीफाई करते हैं, बैंक अकाउंट आप लोग डालते हैं, स्विफ्ट कोड वगैरह बहुत कुछ होता है। अगर आप लोग को अप्लाई करना नहीं आता है तो गाइज जब आपके पास गूगल एडसेंस पिन आपके हाथ में आ जाए तब आप लोग सर्च करना यूट्यूब पर हाउ टू अप्लाई गूगल एडसेंस पिन, कैसे वेरीफाई करते हैं, वो भी आप लोग को मिल जाएगा, मेरा ही वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बताते हैं कि अगर आपके पास गूगल एडसेंस पिन अप्लाई करने का ऑप्शन दे दिया और अगर आप लोग अप्लाई कर दियो लेकिन फिर भी आपके पास गूगल एडसेंस पिन आया नहीं तो कैसे मंगाओगे। गाइज अगर आप लोग ने फर्स्ट अटेम्प्ट को नहीं मंगा पाए तो गाइज आप लोग सेकंड अटेम्प्ट बिल्कुल भी गलती मत करना। अब करना क्या पड़ेगा आपको ये मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो गाइज यही फेस मेरे दोस्त को भी करना पड़ा था और मेरा दोस्त के साथ जो प्रॉब्लम हुआ गाइज उसका मैंने सॉल्यूशन निकाला, तो इसलिए मैं आप लोग को भी बता देता हूँ कि आप लोग को करना क्या। गाइज जब हम लोग गूगल एडसेंस पिन के लिए अप्लाई करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनना, जब हम लोग पिन के लिए अप्लाई करते हैं, जब हमारे घर में आना रहता है गूगल एडसेंस पिन, तब गाइज हम लोग को एक एड्रेस देना पड़ता है जो कि हम लोग का नाम, एड्रेस, फोन नंबर वगैरह सारा कुछ, ताकि जो हमारा गूगल एडसेंस पिन आए हमारे पोस्ट ऑफिस में तो वो पोस्ट ऑफिस वाला जो वर्कर है वो हमें कॉन्टेक्ट कर पाए। तो गाइज अब आप लोग को करना क्या है, अगर आपका एरिया गाँव या कुछ ऐसा पड़ता है जहाँ पर आपको एकदम विश्वास है कि नहीं मेरे यहाँ तो एकदम आएगा ही नहीं गूगल एडसेंस पिन, तो गाइज आप लोग को सिंपली से करना क्या है कि आप वहां पर कोई भी एड्रेस डाल सकते हो। ये अब बेनिफिट आप लोगों के लिए, शायद से गाइज बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा, जिनको मालूम नहीं है प्लीज कमेंट करके बताना ताकि मुझे लगे कि हाँ मैंने इस कंटेंट में कुछ आप लोग को वैल्यू प्रोवाइड कर पाया हूँ, ठीक है। तो गाइज आप लोग ये बताना कि आप लोग को क्या ये मालूम था कि हम लोग किसी का भी एड्रेस में, किसी का भी पोस्ट ऑफिस में उस एडसेंस पिन को भिजवा सकते हैं, क्योंकि हम लोग को उस 6-डिजिट कोड से ही मतलब रहता है जो एडसेंस पिन के मतलब फ्लिप को फाड़ने के बाद हम लोग को मिलता है, ठीक है। तो गाइज ये आप लोग का मतलब नहीं कि आप दिल्ली मंगवा लो अपना एडसेंस पिन, आप पंजाब मंगवा लो, आप गुजरात मंगवा लो, आप धनबाद मंगवा लो, आप रांची मंगवा लो, झारखंड, बिहार कहाँ भी मंगवा लो, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी रिलेशनशिप, किसी भी ऐसे एरिया में मंगाओ जहाँ पोस्ट ऑफिस एक्टिव है और जहाँ कुछ कॉन्टेक्ट वगैरह हो जाए वहाँ पर आप मंगवा सकते हो, अगर आपके गाँव में कोई भी पोस्ट ऑफिस में दिक्कत है। गाइज करना क्या पड़ेगा, आप जब एड्रेस डालोगे तो आप नाम वगैरह जो डालना है डाल देना, एड्रेस में क्या करना है वो सब आप लोग एड्रेस डाल देना जो रिलेशनशिप का, या फिर कहीं पर मामा फूफा कहीं घर होता है ना तो वहां से कांटेक्ट कर लेना कि क्या आपका ऐसा ऐसा पोस्ट ऑफिस है, तो डिटेल्स बता दीजिए, पोस्ट ऑफिस वगैरह डाल देना और फोन नंबर अपना डाल देना, ठीक है। जब गाइस पोस्ट ऑफिस वाला वहां का, तो जहां आप लोग डालोगे वहां का एक्टिव होगा,
जब आपका घर में फोन करेगा मतलब आपका नंबर पर, तब गाइस आप क्या करोगे, जो लोकल आपके रिलेशनशिप है उनको थोड़ा बोल दोगे, जा करके वो कलेक्ट कर लेगा पोस्ट ऑफिस से या फिर उनका घर में आके दे के जाएगा। उसके बाद गाइस आप सिंपली से उस मतलब अगर दूर है आपका रिश्तेदार घर और एडसेंस पिन आपका रिश्तेदार घर में आ चुका है, तो उनको खाली बोलना कि उसको अच्छे से फाड़े और 6 डिजिट का बड़ा बड़ा कोड आता है वो खाली आपको बता दे, बस गाइस आपका घर बैठे बैठे काम हो जाएगा। तो गाइस कैसा लगा आज का ये वीडियो, आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोग को अच्छी जानकारी मिली है। अगर गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा इसी तरह का यूट्यूब रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।